वेरी वार्म गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम रुचि गुप्ता, योर इंग्लिश टीचर। बच्चे, हम लोग लेसन सिक्स्थ कर रहे थे। विच लेसन? लेसन नंबर सिक्स्थ। एंड व्हाट्स द नेम ऑफ लेसन सिक्स्थ? एवरी टाइम रिपीट करते हैं। और जिस चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं तो हमारे माइंड में सेट कस जाता है कि बर्ड सेट हो जाती है ना। तो इसी तरीके से आपके माइंड में भी सेट हो चुका है। विच लेसन? कम्युनिटी ईटिंग। कम्युनिटी ईटिंग में जो हमने रीड किया था वो क्या क्या था कि गुरुद्वारा एंड टेम्पल्स, यहाँ पर हमें क्या होता है, प्रसाद मिलता है, इट मीन्स लंगर में खाना मिलता है, फूड अवेलेबल होता है, जहाँ कोई पार्शलिटी नहीं होती, सबके साथ इक्वलिटी होती है, चाहे वो बैगर हो चाहे कोई भी हो, सबको इक्वल तरीके से फूड सर्व किया जाता है। सेकेंड थिंग इज हॉस्टल। हॉस्टल में बच्चा, जब हम लोग स्कूल टाइमिंग में घर से बाहर रहकर स्कूलिंग करते हैं तो हम कहाँ रहते हैं? हॉस्टल में। और हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे होते हैं जहाँ सबको फिक्स टाइमिंग में, ये बहुत बार मैंने रिपीट किया है कि फिक्स टाइमिंग में सेम फूड अवेलेबल होता है, एंड देन टाइमिंग ओवर होने के बाद आपको वो फूड अवेलेबल नहीं होगा। सो दैट इज हॉस्टल। मैश। मैश में सोल्जर्स को फूड अवेलेबल होता है एंड उनकी फैमिलीज को, वो लोग वहीं पर फेस्टिवल और फंक्शंस अपने सेलिब्रेट करते हैं। थर्ड वन इज मिड डे मील्स इन स्कूल। ये भी मैम ने आपको बताया था बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके कि गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है, बच्चों को फूड अवेलेबल करवाया जाता है, बिकॉज वहां पुअर स्टूडेंट्स होते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है बेटा, आपको खाने के लिए कमाने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप पहले पढ़ाई करिए, अच्छी स्टडी करिए, अच्छी स्टडी करने के बाद फिर आप अर्निंग के बारे में सोचना, तो हम आपको आपका खाना देंगे, सब कुछ देंगे, बट आप स्टडी करिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फूड रीजन एंड ऑकेजन। आज हमें ये रीड करना है, डिफरेंट फूड आइटम्स आर सर्व्ड ऑन डिफरेंट ऑकेजन। अलग अलग फूड अलग अलग ऑकेजन पे सर्व किए जाते हैं। द टाइप ऑफ फूड सर्व ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कल्चर ऑफ द कम्युनिटी। वहां की कम्युनिटी की कल्चर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप का फूड देना है। जैसे तमिलनाडु में अलग है, केरला में अलग है, वो अभी हम आगे रीड करेंगे। गुंजे इज अ स्पेशल डिश प्रिपेयर इन नॉर्थ इंडिया ऑन होली। होली वाले दिन, होली जब आती है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, गुंजिया बनानी है ना। सेवई इज स्पेशल डिश प्रिपेयर बाय मुस्लिम ऑन ईद। सेवई क्या होती है, उनकी स्पेशल डिश होती है जब वो ईद पर बनाते हैं। थर्ड इज पायसम, ओणम एंड एविल आर स्पेशल डिशेस प्रिपेयर ऑन ओणम इन केरला। केरला में ओणम वाले दिन ये वाली डिशेस बनाई जाती हैं। स्वीट राइस कुक्ड इन मिल्क इज प्रिपेयर्ड ऑन पोंगल इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। स्वीट राइस तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में बनाए जाते हैं कब, कौन से फेस्टिवल पर, विच फेस्टिवल, पोंगल। स्वीट ऑफ तिल आर मेड ऑन मकर संक्रांति इन महाराष्ट्र एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। हम लोग भी बनाते हैं मकर संक्रांति पे, तिल की चीजें बनाते हैं महाराष्ट्र में, ये स्पेशल होता है। अ पेस्ट ऑफ नीम लीव्स मिक्स्ड विद जैगरी एंड अदर थिंग्स आर ईटन ऑन गुड़ी पड़वा द महाराष्ट्र न्यू ईयर। महाराष्ट्र में न्यू ईयर पर ये थिंग्स बनाई जाती हैं। स्पेशल केक विथ फ्रेश फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट आर प्रिपेयर्ड बाय क्रिश्चियंस ऑन क्रिसमस। क्रिश्चियंस के द्वारा क्रिसमस पर फ्रेश फ्रूट्स का और ड्राई फ्रूट्स का केक बनाया जाता है। तो ठीक है बेटा, एवरीबॉडी क्लियर? आप सबको मेरे ख्याल से अच्छे से लेसन हो चुका है। मैम ने आपको ये करवा चुके थे, हम क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट टाइमिंग में करेंगे। अभी हम करते हैं करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जहां ये मिस्टेक कर रखी है इन्होंने, हमें उसे करेक्ट करना है। कम्युनिटी मील इज होस्टेड बाय। कम्युनिटी मील कहां पर होस्टेड होती है, सोशल ओकेजन। मिड डे मील आर सर्व्ड इन ऑफिस। क्या मिड डे मील ऑफिस में सर्व होता है? नो, ऑफिस की जगह हम क्या लिखेंगे, इन गवर्नमेंट स्कूल। बांद्रा इज सर्व इन गुरुद्वारा। नो, गुरुद्वारा में क्या सर्व होता है, लंगर। लंगर इज सर्व इन
गुरुद्वारा। स्वीट राइस इज प्रिपेयर इन केरला ड्यूरिंग पोंगल। पोंगल वाली पोंगल पर केरला में क्या ये स्वीट राइस बनाए जाते हैं? नो, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। अविल इज प्रिपेयर इन पोंगल, क्या ये पोंगल में तैयार किया जाता है? नो, वेयर? केरला। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वर्क बहुत ही अच्छे से करना है। बाय बाय।